मेरा तो घर उजड़ गया, अब इनका भी उजाड़ूंगा मैं। ये जो 17 जैक लाई, मेरा लड़का डेथ होने के बाद 72 घंटे तक मेरे को ना 17 जैक लगे सीओ ने बात की, ना किसी जॉन ने की, ना किसी एसएम ने की मेरे को। पूर्व सैनिक संस्था ने बकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और जेएनके के गवर्नर जी के नाम का एक मांग पत्र निकाला है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जो मृत्यु है वो संदेहास्पद स्थिति में है, तो इसकी सीबीआई जांच होनी जरूरी है और इस मांग पत्र में सीबीआई जांच के लिए मांग की गई है। अब दोस्तों, मैं बाकी भी जो हमारे पूर्व सैनिकों के संस्थाएं या फौजी संगठन, जो भी फौज के नाम पर जो संगठन है, उन सभी से भी अपील करता हूं कि वो भी सामने आए और इस तरीके के मांग इस मुद्दे पे उठाएं, ताकि सीबीआई इंक्वायरी के ऊपर जोर पड़े और इस मामले पर सीबीआई इंक्वायरी हो। हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे को न्याय चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। अपने राजनाथ साहब से, डिफेंस मिनिस्टर से करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी कमांडर से करते हैं, अपने प्रधानमंत्री से करते हैं कि हमारे को सीबीआई को कर चाहिए, हमारे को मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। हमने दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली जाएंगे, उनके पास जाना चाहिए। हम फिर बोला, हमने पोस्टमार्टम करा दिया है, हम दुख प्रकट करते हैं, हम आपके साथ हैं और हम उसका पोस्टमार्टम करा दिया है बच्चे का, और डेड बॉडी हम डिस्पैच कर रहे हैं। और मैंने बोला, भाई साहब मेरे को ये बताइए, आपने किसका पोस्टमार्टम कराया है और डेड बॉडी किसकी भेज रहे हो? आपने हमारे को तला नहीं दी अभी तक कि हमारे बच्चे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अमित सिंह एक ऐसा होनहार सिपाही जो ना कि सिर्फ होनहार था, उसका पूरा परिवार ही सिपाही बैकग्राउंड से था, फौजी बैकग्राउंड से था। उसके दादाजी फौज में थे, उसके पिताजी फौज में थे, उसके सारे के सारे चाचा फौज में थे, वो खुद भी फौज में था। तो एक ऐसा फौजी बैकग्राउंड वाला एक होनहार सिपाही जिसकी शहादत हो गई सेवादारी प्रथा के चलते। तो दोस्तों, अब इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की मांग बढ़ती जा रही है और एक पूर्व सैनिक संस्था ने बकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और जेएनके के गवर्नर जी के नाम का एक मांग पत्र निकाला है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जो मृत्यु है वो संदेहास्पद स्थिति में है, तो इसकी सीबीआई जांच होनी जरूरी है और इस मांग पत्र में सीबीआई जांच के लिए मांग की गई है। अब दोस्तों, मैं बाकी भी जो हमारे पूर्व सैनिकों के संस्थाएं या फौजी संगठन, जो भी फौज के नाम पर जो संगठन है, उन सभी से भी अपील करता हूं कि वो भी सामने आए और इस तरीके के मांग इस मुद्दे पे उठाएं, ताकि सीबीआई इंक्वायरी के ऊपर जोर पड़े और इस मामले पर सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि जो भी मामला सामने आया है इसका दूध का दूध पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से बड़ी सिस्टम या सेवादार प्रथा की वजह से जो सैनिक होते हैं वो परेशान होते हैं, परेशान रहते हैं और बहुत ही दुखनीय स्थिति में भी हो जाते हैं कि कभी कभी इस तरीके के हादसे भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो मांग उठाई गई है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से उठाई गई है। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और गवर्नर जम्मू कश्मीर को दिया है। अब दोस्तों, इस मांग पत्र में कई सारी बातों को उठाया गया है और जो स्थिति जो संदेहास्पद है, जो सिपाही की मौत हुई है, जो मृत्यु हुई है, उनकी शहादत हुई है, वो संदेहास्पद है और इसमें कई सारे लोग संदेह के घेरे में हैं। तो ऐसे में इस मामले को उजागर करने के लिए, इस मामले में जो भी दोषी हैं उनका दोष साबित करना है, तो उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी का होना जरूरी है। इस तरीके की मांग इस लेटर में, इस मांग पत्र में उठाई गई है। अब सरकार को इस मुद्दे के ऊपर विलंब ना करते हुए सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि जो भी घटना हुआ है वो सच सामने आ सके। अगर कोई दोषी है तो उनको कठोर से कठोर सजा मिले और आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके ऊपर एक कठोर कदम उठाया जा सके। अब फौजी जो पक्ष है उसको भी इस मामले से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर फौज का कोई दोष नहीं है, अगर जिसके पास भी वो अमित सिंह जी डिटेल थे उनका भी अगर कोई दोष नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी होने में हर्ज क्या है? सीबीआई इंक्वायरी हो और जो दूध का दूध पानी का पानी, जो सच्चाई है वो सामने आए, ताकि जो है एक ऐसे दिवंगत सिपाही को, एक ऐसे पिताजी को, एक ऐसी माता को, बहनों को, उनकी जो इंसाफ मिल सके, ताकि उनकी जो मृत्यु हुई है उस गुत्थी को सुलझाया जा सके। अब दोस्तों, एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। पिताजी कह रहे हैं
अगर मेरा बेटा सरहद पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुआ होता और उसका पार्थिव शरीर मेरे घर आया होता तो मैं छाती ठोक के बोलता कि मेरा बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। लेकिन यहां उनकी विडंबना देखिए, उनके बेटे की शहादत हो गई है, पार्थिव शरीर भी घर में आया है, लेकिन वो इस बात का गर्व भी नहीं कर सकते कि उनके बेटे ने किस लिए शहादत दी है। बहुत ही दुखद स्थिति है और माता जी का, बहनों का रोते रोते बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों, इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप भी चाहते हैं, आप भी मांग करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में सीबीआई इंक्वायरी करके जरूर लिखें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुंचे और सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जा सके और इस मुद्दे के ऊपर ठोस जो है कार्रवाई हो और आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।